हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर स्मार्ट टेक्निकल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, बहुत बार क्या होता है हम उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, बट पेमेंट करने के टाइम पर हमारे पास पैसे नहीं होते, तो अगर हम उसे ड्यू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें पे करना होता है, साथ ही में सिबिल स्कोर भी ख़राब हो जाता है। बट उस टाइम पे हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम उस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट कर लें और आराम से 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने या फिर 2 साल तक आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको भी जानना है कि आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से यूज किए हुए अमाउंट को EMI में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, क्या प्रोसेस रहता है, एकदम इजी प्रोसेस है, साथ ही में चार्जेस ज़्यादा हाई भी नहीं है एंड ज़्यादा लो भी नहीं है, मतलब इतने कम अमाउंट में भी आप EMI में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, बट इतने ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है कि आपको नुकसान हो जाए, तो वीडियो पे बने रहना, एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार हम इसे EMI में कन्वर्ट करते हैं और क्या क्या चार्जेस हमें देने होंगे। तो गाइज मैं आपको ICICI बैंक का बता रहा हूँ, बट लगभग सभी बैंक का सेम सा ही प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको iMobile एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं iMobile एप्लीकेशन से कर रहा हूँ, हो सकता है आप इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे होगे तो उससे भी कर सकते हो, थोड़ा सा सेम सा ही प्रोसेस होता है। तो मैंने iMobile ऐप को यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 क्रेडिट कार्ड है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो सेविंग अकाउंट यहाँ पे दिखा रखा है। सेकेंड नंबर ऑप्शन में मेरा क्रेडिट कार्ड है जो कि इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है, जो मैंने FD के अगेंस्ट लिया था। थर्ड नंबर पे रिसेंटली मेरे को अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड मिला था, जो कि विथआउट इनकम प्रूफ ही मिला था। अगर आपको जानना है तो साइड में आपको थंबनेल देखने को मिल रहा होगा, पहले इस वीडियो को एंड तक देख लो, बाद में उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि विथआउट इनकम प्रूफ मिला था। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्रेडिट कार्ड हमें यहाँ पे दिखा रखा है। लेटेस्ट बिल पे क्लिक करते हैं। अब हो सकता है कई बार क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स के साथ ऐसा होता है, जैसे उन्होंने यूज़ तो कर लिया बट कई बार सैलरी आगे पीछे हो जाती है, मतलब 1-2 दिन लेट हो जाती है, तो वो अमाउंट पे नहीं कर पाते, या फिर कई बार क्या होता है हमारे पास पैसे नहीं रहते तो अमाउंट पे नहीं कर पाते, तो वो ऐसे ड्यू कर देते हैं। ड्यू करने से बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, साथ ही में सिबिल स्कोर भी ख़राब होता है। इससे अच्छा आपके पास यहाँ पर अच्छा सा ऑप्शन है कि आप इसे EMI में कन्वर्ट कर लो, ताकि ज़्यादा चार्ज भी ना लगे, साथ ही में यहाँ पर आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि EMI में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड का बता रहा हूँ, ICICI का है तो भी यहाँ पे सेम ही प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे आपको लास्ट 30 डेज पे क्लिक करके उस वाले अमाउंट को दिखा देता हूँ जो मेरे को EMI में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो भी अमाउंट EMI में कन्वर्ट करना है या फिर जो भी इलिजिबल है वो दिखा देगा। तो 5 सितंबर को 3,075 रुपये मैंने यूज़ किए थे, उसे EMI में कन्वर्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है, एलिजिबल फॉर EMI। नीचे आप देख सकते हो एक और अमाउंट है जो कि 1530 रुपये का है, जो एलिजिबल फॉर EMI। तो मैं दोनों अमाउंट को भी कंबाइन करके यहाँ पे EMI में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी एक को भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको प्रोसेस बताने के लिए यहाँ पे EMI में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे को एक ही इस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करना है, जो कि आप देख सकते हो मैंने टिक कर लिया। अगर दोनों को करना होता तो मैं दोनों को यहाँ पे टिक कर लेता, दोनों को एक साथ भी कर सकता हूँ, बट मेरे को एक करना है और आपको भी प्रोसेस यहाँ पे पता चल जाएगा। तो हम कन्वर्ट टू EMI पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कन्वर्ट टू EMI पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा रखा है क्रेडिट कार्ड सिलेक्टेड, फिर यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के नंबर दिखा रखे हैं, टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट है 3,075। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर EMI कन्वर्जेशन, मैंने एक ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया था, अगर 2 करता तो यहाँ पे 2 दिखा देता। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो, इस ट्रांजेक्शन को मैं EMI में कन्वर्ट करूँगा तो क्या इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा, तो 16% का यहाँ पे चार्ज लगेगा, जबकि अगर आप ड्यू करते हो तो 24-25% का भी चार्ज यहाँ पे लग जाता है, इवन इससे ज़्यादा ही चार्ज आपको देना पड़ जाता है, साथ ही में सिबिल स्कोर भी ख़राब हो जाता है। और नीचे प्रोसेसिंग फीस आप देख सकते हो, 62 रुपीज मेरे को प्रोसेसिंग फीस देना है। अगर आप भी करोगे तो इस प्रकार प्रोसेसिंग फीस ही दिखाया जाता है। नीचे आप फोर क्लोजर फीस 3% दिखा रखा है, ये शायद अगर आप EMI पहले, मतलब सारा जो अमाउंट है EMI वगैरह वो टाइम से पहले पेमेंट करना चाहो कि मैं इस लोन को या फिर जो भी EMI चल रही है सारे को क्लोज करवाना चाहता हूँ, तब आपको 3% का चार्ज देना होगा। तो हमें तो टाइम से पेमेंट करना है, पहले क्लोज नहीं कराना है, तो हम इसे सिलेक्टेड रहने देते हैं। अब EMI कितने महीनों के लिए करोगे वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है।
तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर आप 12 महीनों के लिए करते हो तो टोटल कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे EMI पे करना है 12 महीने के लिए 279 रुपीज़, तो 279 × 12 यहाँ पे कर लेते हैं, 12 महीनों के लिए करते हैं तो टोटल अमाउंट यहाँ पे हो गया 3348, ठीक है, प्लस 62 रुपीज़ यहाँ पे लग रहे हैं हमारे प्रोसेसिंग फ़ीस के, टोटल यहाँ पे 3410 रुपये हो गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अब जो हमारा अमाउंट था 3075 रुपये का था, तो माइनस कर लेते हैं 3075, तो ओनली 335 रुपये का चार्ज लग रहा है, वो भी एक साल के लिए अगर हम पेमेंट करेंगे, मतलब एक साल 12 किस्त में इसे पेमेंट करेंगे तो 335 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। वहीं पे मैं अगर देखता हूँ इसे 3 महीने के लिए EMI में कन्वर्ट करने के लिए, और मेरा कन्वर्ट करने का भी यहाँ पे एक रीज़न है कि मैं इसे EMI में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन मैं आपको एक 3 महीने वाला बता देता हूँ जो सबसे मिनिमम है, 3 महीने वाले में कितना चार्ज लगेगा। तो हम सबसे पहले करते हैं 1052.45 × 3 मंथ के लिए कर रहे हैं, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 3157 प्लस 62 रुपीज़ यहाँ पे जो चार्ज है वो यहाँ पे लग रहा है, माइनस यहाँ पे करते हैं इससे 3075, तो टोटल आप देख सकते हो 144 रुपये का यहाँ पे चार्ज लग रहा है। तो मैं आपको 3 महीने का ही करके दिखा देता हूँ, और जो रीज़न है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। नीचे सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन फॉर EMI कन्वर्जेशन, अमेजोन से मैंने ये परचेज किया था, 3075 रुपये का प्रोसेसिंग फीस इतना लग रहा है, EMI अमाउंट इतना है, तो EMI में कन्वर्ट करने के लिए इस पर टिक मार्क करना है, कन्फर्म एंड कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन SR नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, 1 out of 1 ट्रांजेक्शन सेलेक्टेड हैव बीन कन्वर्टेड टू EMI और यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, कन्वर्ट मोर ट्रांजेक्शन या फिर गो टू डैशबोर्ड। तो हमें एक ही ट्रांजेक्शन EMI में कन्वर्ट करना था, गो बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, वापस हम बैक आ चुके हैं। अब आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था 7000 के करीब यहाँ पे दिखा रहा था, और अभी आप देख सकते हो 5859 यहाँ पे हो चुके हैं। एक बार स्टेटमेंट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, वो अमाउंट हमारा EMI में कन्वर्ट हो चुका है, और बाकी का जो अमाउंट है वो वापस यहाँ पे हमारे क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो चुका है। सो गाइज, मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि किस प्रकार आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी अमाउंट यूज़ कर रखे हो उसे EMI में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्या चार्जेस लगते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। एंड मैंने बीच में ये भी बोला था कि मैं इस ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है। पहला तो ये कि मेरे को वीडियो बनाना था, बट उससे पहले ये कि ये अमेजोन का कार्ड मेरे को अभी अभी मिला था, मतलब 3-4 या 5 दिन पहले मान सकते हो, जिसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, तो उससे मैंने एक अमाउंट यहाँ पे यूज़ किया, तो कस्टमर केयर का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बताया कि आपने इतने रुपए यहाँ पे यूज़ किए हैं, उसे आप इजीली EMI में कन्वर्ट कर सकते हो और आराम से पेमेंट कर सकते हो, इतना कुछ आपको रेट इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसे हैं, मैं यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा, तो मेरे को EMI में कन्वर्ट नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि आप EMI में कन्वर्ट करोगे तो आपका एक बेनिफिट और हो जाएगा, आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो जल्दी ही इंक्रीज कर दी जाएगी। और उसकी बातों को सुन के मैंने इग्नोर कर दिया, फिर कॉल मैंने कट कर दिया। बट कल मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में उस भाई ने बताया कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को चाहे कहीं पर भी यूज़ करो, चाहे टाइम पर पेमेंट करो, तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो बहुत कम चांस में यहाँ पर इंक्रीज़ होती है, या फिर ऐसे मान सकते हो कि इंक्रीज़ तो होगी बट बहुत टाइम बाद यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आप EMI पे कुछ परचेज करते हो, फिर अपने ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट करते हो, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ हो जाए। और मैं ये कन्फर्म भी नहीं बोल रहा कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपके कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी, बट मेरे को कस्टमर केयर ने भी ऐसा बताया, तो सोचा करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है, 144 रुपये यहाँ पर फालतू लग रहे हैं। सो गाइस, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर देना, साथ ही में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और नए नए ऑफर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।